हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मारिया जे किचन। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे क्रंची फ्रेंच फ्राइज, जो कि बहुत ही यमी, टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। इसका बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाटर चाहिए हमें 2 कप, स्लाइस पोटैटोज जो कि 2 से 3 अदद चाहिए हमें, सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून और मीडियम फ्लेम पर हम 5 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे और उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें हम मैदा 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, राइस फ्लोर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/4 टेबलस्पून और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम गरम तेल में इसे डीप फ्राई करेंगे। तीन मिनट तक हमने इसे डीप फ्राई करना है। हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब हम इसे बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद दोबारा से हम डबल डीप फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, डबल डीप फ्राई भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, फ्राइज बिल्कुल रेडी है, यमी, क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। चिली पाउडर ऐड करेंगे इस पर। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्राइज रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार। आप इसे केचप और मेयोनेज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।